हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज मैं आपको बताने वाला लाइव व्लॉगिंग करके कि व्लॉगिंग कैसे की जाती है, कहाँ, जैसे कि आप जाते हैं किसी अच्छी लोकेशन में। और यहाँ पे हमारे पास यशु लांबा, क्या हाल चाल, और सिनेमैटिक शॉट्स कैसे ऐड करने और सिनेमैटिक व्लॉग कैसे बनाना है। बहुत ही कमाल का व्लॉग होने वाला है। सो मैं बर्ड पार्क के एंट्रेंस में आ चुका हूँ, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर स्टार्ट। I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि बर्ड पार्क के अंदर एंट्रेंस हो चुकी है और यहाँ पे मैंने दूसरा सेटअप लगा लिया, मतलब कि आप एक ही फ़ोन से व्लॉग और सिनेमैटिक वीडियोस मतलब कि शूट कर सकते हो, सिनेमैटिक व्लॉग बना सकते हो। जस्ट मैंने आपको डेमो देने के लिए कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। फ़ोन मेरे पास ओप्पो रेनो 5 प्रो है और साथ में HUAMI स्टडी एक्स गिम्बल है। तो यहाँ पे अब स्टार्टिंग हो चुकी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बर्ड पार्क है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक सिनेमैटिक शॉट एंट्रेंस में थोड़ा सा दिखा दूँगा कि इंटरेस्टिंग लगे मेरा सिनेमैटिक व्लॉग। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको शॉट लेके दिखाता हूँ। In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बर्ड पार्क के अंदर आया हूँ, तो आपको स्टार्टिंग में पता लग चुका कि कैसे मैं सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा हूँ और स्टार्टिंग में आपने कैसे इंटरेस्टिंग अपना व्लॉग स्टार्ट करना है। सो अगले वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आपका व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टार्टिंग में आपने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स को ऐड कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा और आपको साथ साथ में टिप्स भी देते जाऊँगा कैसे आपने बोलना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना रश है वहाँ पे, वो टिकट कॉर्नर है, ठीक है। और जहाँ पे आप, अगर आप चंडीगढ़ से हो तो मुझे बताना बर्ड पार्क कौन कौन गया है, तो आपको काफ़ी कमाल का यहाँ पे व्यू मिलने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। तो नेक्स्ट मैं आगे जाऊँगा, व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, साथ साथ में सिनेमैटिक शॉट्स मैं ऐड करके आपको दिखाता जाऊँगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ पे सिनेमैटिक शॉट को ऐड करना है और कहाँ पे बोलना है, कब कैसे अपनी जगह को आपने प्रेजेंट करना है। सो गाइज, यहाँ पे सामने एक और वाटरफॉल है और यहाँ पे यशु लांबा कुछ बोलना चाहोगे? बहुत, एक मिनट यहाँ पे बोलना, बस गर्मी में मत आना, अदरवाइज अगर आप बारिश के मौसम में आते हो तो बहुत अच्छी है जगह ना फोटोग्राफी करने के लिए। रेनबो वाले अम्ब्रेलास भी मिलते हैं, अगर हमें लगा वो पेमेंट वाले होंगे। और एक चीज देखो कि हम कैसे व्लॉग कर रहे हैं, मतलब कि फ्री स्टाइल कर रहे हैं, इतने बंदे हैं सामने, हमें कुछ नहीं है, हम जस्ट अपना काम करें। यहाँ पे देखो कैमरा हमने निकाल लिया और मैंने फोटोज भी लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट, अब जैसा कि आप देखते रहो कि मैं साथ साथ में कैसे व्लॉग कर रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही कमाल का व्यू है और यहाँ पे अभी फोटोशूट चल रहा है और साथ साथ में आप देखो कि मैं कैसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और लोकेशन आप देखो कितनी कमाल की है, ठीक है, यहाँ पे वाव हो गया, पिक्चर अच्छी आ गई है। और यहाँ पे बहुत ही, यार अगर आप चंडीगढ़ मोहाली से हो ना, बर्ड पार्क में ज़रूर विजिट करना। और ये देखो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, यहीं पे मैंने सिनेमैटिक शॉट निकाला है। अब जहाँ जहाँ पे आपको लगेगा कि यार अच्छी लोकेशन है, वहाँ पे आपको सिनेमैटिक शॉट निकालना है। और यहाँ पे देखो रील बनाए, अब इनकी रील बनानी है। तो यहाँ पे मैं ड्यूल वीडियो मोड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब कि सब कुछ दिखाना है, अपने आपको भी दिखाना है, लोकेशन भी दिखानी है। तो आपके फ़ोन के अंदर जो जो से भी मतलब कि फीचर्स हैं उनको आप यूज़ करो। अब यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है अभी और यहाँ पे एक अच्छी सी लोकेशन मुझे दिखी और यहाँ पर मैं सिनेमैटिक शॉट निकालूंगा। जितने सिनेमैटिक शॉट्स निकाल सकते उतने निकाल लो, क्योंकि बाद में आपको मदद मिलने वाली है। एडिटिंग में आप बैठोगे तो आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। चलिए यहाँ के भी शॉट्स लेके हम देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल मैंने फ्रंट कैमरा का यूज़ किया हुआ है इस क्लिप के लिए। और यहाँ पे क्या है कि आपको वीडियो की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी वीडियो स्टेबल बने, व्लॉग अच्छा बने, मतलब कि स्टेबल दिखे। अब यहाँ पे जो भी लोकेशंस हैं, आप अपने फ्रेम को यहाँ वहाँ हिला सकते हो, मतलब कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस जो है वो इंटरेक्ट करे, आपकी ऑडियंस को अच्छा लगे आपका व्लॉग।
तो जितने मर्जी बंदे हो आपके आसपास, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट आपने फोकस करना है अपने व्लॉग की तरफ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आगे हम और चलेंगे और यहाँ पे मैंने एक सिनेमैटिक शॉट निकाला है लो टू हाई। जिसने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है सिनेमैटिक शॉट्स के ऊपर, देख लेना, सारी भाई काम आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे झरने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मोहाली से कौन है, चंडीगढ़ से कौन है, और यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दो बंदे वेट कर रहे हैं आगे जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होने वाला है क्योंकि वहाँ पे आ गया थैंक्स फॉर एग्जिस्ट, ठीक है, और थैंक्स फॉर विजिट, सॉरी वहाँ पे लिखा थैंक्स फॉर विजिट। I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होता है और हालत काफ़ी हो गई, अब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया, पर मैंने आपको बताया कि कैसे आपने सिनेमैटिक शॉट्स ऐड करने हैं, कहाँ पे बोलना है, कौन सा मतलब कि किस एंगल से आपने लेना है, तभी मैंने आपको लाइव करके बताया। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।